तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था, कैसे भारतीय रेलवे जोरों शोरों से फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क की तरफ आगे बढ़ती जा रहा है और इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए भारत के हरियाणा ने बाजी मार ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्य में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण के पूरा होने पर हरियाणा को बधाई देते हुए कहा कि इस उपलब्धि से कई लाभ मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इससे पहले एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार हरियाणा का मौजूदा ब्रॉडगेज नेटवर्क 1701 रूट किलोमीटर है, जो अब 100% विद्युतीकृत हो गया है। हरियाणा उत्तर, उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी रेलवे के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। हरियाणा के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन अम्बाला, पानीपत, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, हिसार जंक्शन, रेवाड़ी जंक्शन, रोहतास जंक्शन और भिवानी है। इस प्रोजेक्ट से हरियाणा में रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों को लाभ होगा। एक तो डीजल इंजन के बजाय रेलगाड़ी को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलाया जाएगा, वहीं इससे समय की बचत होगी, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा। हरियाणा से गुजरने वाली कुछ लोकप्रिय ट्रेनों में कालका शताब्दी एक्सप्रेस, हिमालयन क्वीन, कालका मेल, पश्चिम एक्सप्रेस, स्वर्ण मंदिर मेल और कलिंग उत्कल एक्सप्रेस शामिल है। ये ट्रेनें राज्य के विभिन्न हिस्सों से होकर भारत को जोड़ती है। तो फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड बनते हुए भारतीय रेलवे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।